देखो, एक वेबसाइट के आंकड़े के अनुसार हर महीने पूरी दुनिया में 2.8 मिलियन पीडीएफ को सर्च किया जाता है और इंडिया में अकेले 3,66,000 बार पीडीएफ कीवर्ड को सर्च किया जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक खुद का पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और पीडीएफ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप खुद का पीडीएफ सेल करने के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं और महीने की अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले तो पीडीएफ को समझें कि पीडीएफ क्या होता है, क्यों इसको बनाया जाता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे आप खुद का एक पीडीएफ बना सकते हैं। देखो, पीडीएफ का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ये एक फाइल फॉर्मेट है। जैसे MS वर्ड होता है, एक्सेल होता है, वैसे एक फाइल फॉर्मेट है, लेकिन किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी बदलाव ना करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया था। पीडीएफ फाइल में बहुत सारी जानकारी को सेव करके रखा जा सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, इस तरह की सारी जानकारियाँ सेव रहती हैं। और इस सबसे बड़ी बात, पीडीएफ को किसी भी डिवाइस पे खोल के देखा जा सकता है। अगर आपके पास टीवी है तब भी आप पीडीएफ को देख पाएंगे खोल के, अगर कंप्यूटर है तो भी आप पीडीएफ को चला पाएंगे, स्मार्टफोन है, ये सारी डिवाइसेस पे जो पीडीएफ फाइल है वो बहुत आसानी के साथ ओपन हो जाती है। पीडीएफ फाइल के अंदर आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिपोर्ट, ई बुक, फॉर्म, ब्रोशर और बहुत तरह के डॉक्यूमेंट स्टोर किए जा सकते हैं या शेयर किए जा सकते हैं और प्रिंट करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और सबसे बड़ी बात, जो पीडीएफ फाइल होती है वो पूरी तरीके से सुरक्षित होती है, यानी ऐसा नहीं कि आपने किसी को भेजा और उसमें कोई वो एडिटिंग कर देगा और उसको इस्तेमाल कर लेगा। यानी पीडीएफ फाइल पूरी तरीके से सुरक्षित होती है और इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती, यानी फॉर्मेटिंग को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसको बिना फॉर्मेटिंग चेंज किए सुरक्षित किया जा सकता है या कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। तो इस तरह से जो पीडीएफ है वो पूरी दुनिया भर के बहुत सारी चीज़ों में बड़े काम आ रहा है। तो पीडीएफ की उपयोगिता तो आप समझ ही गए। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पीडीएफ पूरी दुनिया में कितना सर्च होता है, ग्लोबली 2.8 मिलियन होता है और मंथली अगर आप अपनी इंडिया के अंदर शेयर देखेंगे तो लगभग 3.5 लाख सर्च हर महीने पीडीएफ की होती हैं। अब हम अपना पीडीएफ कैसे बना सकते हैं, इस सर्च का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और पीडीएफ के जो इतने सारे फ़ायदे मैंने आपको बताए इनको कैसे हम इस्तेमाल करके अपना एक रोज़गार बना सकते हैं। तो रोज़गार बनाने के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया कि कैसे आप पीडीएफ के लिए एक वेबसाइट बना सकते हैं, उस पर कैसे आप गेटवे लगा सकते हैं, कैसे पीडीएफ को सेल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे आप एक पीडीएफ बना सकते हैं। तो पीडीएफ बनाने के लिए हम जाएंगे, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम है कैनवा और कैनवा आपको फ्री में पीडीएफ बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देती है। कोई भी अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है canva.com और यहाँ पे ये जो मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, अभी हम कैनवा पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं बिना किसी अकाउंट के आपको पीडीएफ बनाना बताऊंगा कि कैसे आप पीडीएफ बना सकते हैं। तो आपके पास एक जीमेल आईडी होनी चाहिए, आप उससे लॉगिन कर लीजिए तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप कॉर्नर में देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सनल और फ्री लिखा हुआ आ रहा है। अभी हमने कैनवा प्रो नहीं लिया है और हम फ्री में यहाँ पे एक पीडीएफ बना के देखेंगे। सो यहाँ पे हम सर्च में जाएंगे और सर्च में हम सिर्फ पीडीएफ लिखेंगे। तो जैसे मैं पीडीएफ लिखूंगा तो यहाँ पे देखो पीडीएफ गाइड या बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद में आप सर्च में यहाँ पे ई बुक भी लिख सकते हो, अगर आपको एक ई बुक बनानी है तो वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे देखो आपको ई बुक कवर, ई बुक टेम्पलेट और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैं सीधे सीधे ई बुक टेम्पलेट्स को सर्च करूँगा और जो फ्री टेम्पलेट होंगे मेरे सामने यहाँ पे आ जाएंगे। प्रो वाले के ऊपर देखो छोटा सा ये मुकुट जैसा कुछ लगा होगा और यहाँ पे प्रो लिखा हुआ आ रहा होगा और जो फ्री वाला होगा उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे इस तरह का जो लोगो है वो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, किसी फ्री वाले पर क्लिक करना है। तो या तो आप ये कर सकते हो या फिर आप ब्लैंक टेम्पलेट की तरफ जा सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कोई भी एक ले लूँगा, अगर मेरे को अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके पेज डिलीट कर दूँगा और फिर अपना बना सकता हूँ। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के पेजेस हैं वो मिल जाएंगे। अब इन पेजों को आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो, ये फुल एडिटेबल हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेज का जूम इन एंड जूम आउट का ऑप्शन दिखेगा एंड यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे ऑप्शन, अपलोड करने के बहुत सारे ऑप्शन और एलिमेंट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अब मान लो हमें यहाँ पे कोई बुक बनानी है, तो या तो हम सीधे सीधे इन सारे पेजों को सीधे सीधे एडिट कर दें तो वो हम बुक बना सकते हैं, या फिर अपना ब्लैंक बुक से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर ब्लैंक से शुरुआत करनी है तो आपको सिंपल करना क्या है, आपको ये जो पेज इन्होंने दिए हैं इनको हम डिलीट कर लेते हैं। भैया हमें ये वाले पेज नहीं चाहिए, हम अपना ही कुछ नया बनाएंगे। तो जैसे आप ये सारे पेज डिलीट कर दोगे तो लास्ट में आपके पास ये बचेगा, इसको भी हम हटा देते हैं। ब्लैंक पेज हमारे सामने आ गया, तो हम यहाँ पे जाके ना ई बुक कवर को सर्च करेंगे। तो जब बुक कवर पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे तरह के जो बुक कवर हैं वो दिख जाएंगे। अब आपको कोई भी एक बुक कवर लगाना है तो आपको क्या करना है, सिंपल उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास फ्री अकाउंट है कि यहाँ पे प्रो लिखा हुआ ना हो, तो जो सिंपल और प्लेन बुक कवर हो उसमें से कोई भी आप एक कवर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे बुक कवर हैं, तो हम यहाँ से ये जो बुक कवर है किसको ले लेते हैं, ये बिल्कुल फ्री में इन्होंने दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पे जैसे चाहें वैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मुझे कंप्यूटर बुक लिखनी है, तो मैं कंप्यूटर बुक ले लेता हूँ। अच्छा, ये बुक आप हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में बना सकते हैं। ठीक है, और फॉन्ट को आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ चाहें तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। मैं आमतौर पर नेवर स्टॉप लर्निंग लिखता हूँ, तो मैं वही लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में एक बुक कवर बना लिया है। अब यहाँ पे नया पेज जोड़ने के लिए सिंपल आपको ऐड पेज पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है यही कलर थीम आपको लेके चलनी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से जो कलर थीम है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लेके आएंगे, अगर आपके पास है पहले से आपने टाइप किया हुआ तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप चैट जीपीटी जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर से कुछ टेक्स्ट ले सकते हैं या अपना टाइप कर सकते हैं। मेरी अपनी वेबसाइट है, मैं आपको अपने वेबसाइट से लेके कुछ दिखा देता हूँ। तो मेरी अपनी वेबसाइट का नाम है mybigguide.com और यहाँ पे मानो मुझे एक आर्टिकल लिखना है ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। तो ये एक आर्टिकल है, इसी आर्टिकल के ऊपर मैं वहाँ पे एक कुछ लिखने वाला हूँ अपनी बुक में। मानो यही सारी चीज़ें मुझे अपनी बुक में लिखनी है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड कैनवा के अंदर जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लूँगा। टेक्स्ट में हेडिंग के लिए आपको ये सेलेक्ट करना है और नीचे जो बॉडी टेक्स्ट है उसके लिए ये वाला सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास बॉडी टेक्स्ट है, तो हम यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे और ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। अच्छा, इसमें हमको इतना सुविधा मिल जाएगी कि इसको आप कहीं भी उठा के मूव करा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो टाइटल है इसको कहीं भी उठा के मूव करा सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये फॉर्मेटिंग बार आपके सामने आ जाएगा। फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट के अंदर कोई कलर है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है, साइज़ छोटा बड़ा करना है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में आती हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है तो आप ऊपर से ये फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, कलर बदल सकते हो, फॉन्ट बदल सकते हो। यहाँ से ये कलर आ जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट आ जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ से फॉर्मेटिंग बदल सकते हो। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा और यहाँ पे आपको जो बुलेट लिस्ट है उसका ऑप्शन दिख जाएगा। ये बड़ा आसान है, कुछ नहीं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी तरह से अब हम इसका जो बॉडी पार्ट है वो ले लेते हैं, और चूँकि वो हमारे पास वेबसाइट पर पहले से है तो हम कहीं से नहीं लेके आ रहे, आप चाहें तो सीधे सीधे कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। सो बॉडी पार्ट को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब आपको लगता है कि ये ज़्यादा बड़ा साइज़ का आ गया है तो आप इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर सकते हैं, यहाँ से आप अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ये भी आप अपने हिसाब से जो पैराग्राफ है उसको भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस साइड पे कोई इमेज लगानी है, यहाँ पे कोई इमेज लगानी है, तो ये मैंने जो पैराग्राफ है ये छोटा किया और एलिमेंट पे जाके मैं यहाँ से इमेज सर्च करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से ऑफिस को कीवर्ड को सर्च कराऊँगा और यहाँ पे देखो ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो, शेप्स, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी। अब मुझे ऑफिस ऑटोमेशन के लिए कोई एक इमेज यहाँ पे पसंद आती है तो मैं उसको सिंपल इस तरह से क्लिक करूँगा। अच्छा, यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रो वाली इमेज आपको नहीं लेनी है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। फ्री वाली आप बहुत सारी इमेजेस को यहाँ से ले सकते हो। तो मानो ये एक इमेज है जो फ्री में मुझे मिल रही है, इस इमेज को लेके मैं बड़े आसानी के साथ मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे कलरफुल इमेज भी आ गई और मेरी पीडीएफ बड़ी खूबसूरत बनती भी जा रही है ना। अगर आपको लगता है नीचे वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक तो ठीक है, ये वाला पार्ट पूरे में आना चाहिए, तो इसको सिंपली यहाँ से कट करिए एंड यहाँ से एक टेक्स्ट लीजिए फिर से और इस पार्ट को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज़ आपने 11 लिया था, इस फॉन्ट साइज़ को भी यहाँ से 11 कर दीजिए, तो बिल्कुल सेम इसके जैसा हो जाएगा। और यहाँ से आप आपकी पीडीएफ को इस तरह से मैनेज कर सकते हो, देखो। ठीक है। अब मानो इसके नीचे आपको कोई प्रिंटर का फोटो लगाना है, तो बस यहाँ पे जाओ और यहाँ पे प्रिंटर टाइप कर दो। प्रिंटर टाइप होने के बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रिंटर की इमेज आ जाएंगी। अब कोई भी एक फ्री इमेज को उठाओ और यहाँ पे डाल दो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से एक आपकी जो PDF है वो पूरी तरीके से एक बहुत सारे ग्राफिक्स के साथ में बहुत कलरफुल PDF आप इस तरह से बना सकते हो। मैं एक पेज आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ कि ये पेज कैसा लगेगा बनने के बाद में। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। मैं यहाँ से बहुत सारे जो उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ तक इसको लेके और वहाँ सिंपल मुझे पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे गया एंड पेस्ट कर दूँगा मैं इसको। अब मान लीजिए ये जो PDF है ये आपकी तैयार हो गई है। अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको फाइल टाइप का ऑप्शन दिखाई देगा। फाइल टाइप में आपको सजेशन में PNG दिखाई देगी, लेकिन आपको यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, PDF स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। और ये करने के बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑल पेजेस सेलेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑल पेजेस सेलेक्ट करके इसे डाउनलोड करता हूँ और जैसे ये PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो ये अपने आप से यहाँ पे ओपन भी हो जाएगी इस तरह से। आप देखो जो दोनों पेज हमने तैयार किए थे इस तरह से आपको मिल जाएंगे। अभी PDF फाइल आप बना के अपनी वेबसाइट पर शेयर करा सकते हो और जहाँ चाहो वहाँ इसको शेयर करा सकते हो। तो एक बड़ा आसान तरीका है फ्री में एक PDF ई-बुक बनाने का। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे करना है, कैसे बनाना है। और अगर इसी तरह से आप भी अपनी PDF बनाकर अपनी वेबसाइट पे उसे सेल करना चाहते हो तो ये जो वीडियो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसको ज़रूर देखना। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लाख लोग अपना 7,500 रुपये का फ़ायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेनड्राइव कोर्सेज़ पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको ज्वाइन पेनड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेनड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेनड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट TV पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे ये कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2,499 यानी 2,500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा।